नाजरीन NH1 न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम में इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ। अपनी पार्टी की जानिब से आज कोपाड़ा हेडक्वार्टर में एक मीटिंग तलब की गई। अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बिलाल आरिफ की जानिब से आज एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी कोऑर्डिनेटर कोपाड़ा परवेज अहमद के साथ साथ लंगेट से कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर एडवोकेट रईस अहमद के साथ साथ कई लीडरान और वर्करान भी मौजूद थे। इस मौके पर PDP से आए हुए एडवोकेट नसीर अहमद ने अपनी पार्टी ज्वाइन की और लंगेट कॉन्स्टिट्यूंस के ताल्लुक रखने वाले नमदार मोहम्मद शफी ने भी अपनी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर कई वर्करों जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP से आए हुए हैं ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बाद में अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ने इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और अपनी पार्टी में आने का खैर मकदम भी किया। इस मौके पर कई लीडरों ने भी खिताब किया और बाद में मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बिलाल हमारे लिए भी वो ये पार्टी जो है कामयाब हो जाए ताकि हम आगे जाकर बाहर देखें इस पार्टी का तो चांस के देखने वाले हैं। पहले मेरी तरफ से उनको प्यार भरा सलाम। जो आपका क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन दो तीन सवाल है आपके। पहले जो आप युवा तो मैं एज आई एम यूथ मेरी कोशिश पहले ये रहती है कि जो भी इस वक्त डिप्रेशंस में है जो भी डिप्रेशंस में है मेरी कोशिश यही है कि मैं यूथ को क्योंकि अपनी पार्टी ही वाहिद प्लेटफॉर्म वो है जो यूथ जो हमारे नौजवान हमारा जो मुस्तकबिल है हमारा जो फ्यूचर है वो यूथ है और इसी यूथ को हमारी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी इमोशनल पॉलिटिक्स ने इनको बर्बाद करा तो इसीलिए वाहिद अपनी पार्टी है जिनके सदर बिलाल पार्टी प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद ताह बुखारी साहब हैं जो खुद यूथ के साथ कनेक्टेड है तो यूथ का फ्यूचर जो है अल्लाह की मदद से इनको किसी भी मुश्किल कोई भी इनकी जो मुश्किल है वो अपनी पार्टी के जरिए सालों होंगे। इनके जो भी मुश्किलात है अल्हम्दुलिल्लाह फखर भी है कि हम उस पार्टी में है जहां पे किसी को भी शर्मिंदा नहीं होना। यूथ के लिए पहले मैं ये बात बता दूं कि स्पेशल सेल्फ रेस्पेक्ट है जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यूथ को नहीं दिया है। इवन बिफोर ए फ्यू डेज अगर आप क्योंकि आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में करेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ एक वाहिद पार्टी यही है अपनी पार्टी इंशाल्लाह ताला हमारा जो स्टेट्स है वो वापस आएगा तभी मैंने इस पार्टी के लिए मतलब राष्ट्र चुन लिया कि मैं यही पार्टी ज्वाइन करूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पूरे जवान इसका साथ देंगे। मैं पूरी तरह अपनी तरफ से पूरी तरह जितना भी मुझ में मतलब सकत है क्षमता है मैं इस पार्टी के लिए अपना खून देने के लिए तैयार हूँ और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि ये पार्टी वो पार्टी है जो हमारा स्टेटस 5 अगस्त से पहले था वो वापस आएगी।